हाँ, क्या क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क में, क्या क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, क्या क्या हो गया फाइल मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, कौन कौन सा हुआ ये बताओ। प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ, इसको हाँ वो फाइल, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है, व्हाट आर दी रोल्स, व्हाट आर दी टास्क, व्हाट आर दी जॉब्स डन बाय दी। बच्चे लापरवाह अभी भी, हम इसे रोकते हैं कि सब आ जाए, टाइम पे तो आए करो भाई। तो क्या क्या मैंने लिखवाया था टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या क्या जॉब मैंने बताया था, फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट एक टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और अब सुनो प्रोसेस मैनेजमेंट के थर्ड पॉइंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स जो मैं लिखा रहा हूँ डिटेल में, मैं दो लाइन लिखा के चल रहा हूँ, हमेशा आपको काम आता रहेगा। क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूछा जाएगा, व्हाट आर द टास्क, व्हाट आर द रोल्स, व्हाट आर द जॉब्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा, 1% नहीं कि नहीं आएगा। हाँ देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, इसमें क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब, क्या प्रोसेसेज को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक, हमने कंसेप्ट पढ़ा कि मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाता, मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाता तो मतलब एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, एमएस वर्ड भी चल रहा है, एमएस एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, जावा भी चल रहा है, नोटपैड भी चल रहा है, गेमिंग भी चल रही है, लेकिन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोसेस, अगर 6 प्रोसेस चल रहे हैं तो क्या सबको रैम चाहिए कि नहीं, सबको सीपीयू चाहिए कि नहीं, सबको डेटा बस चाहिए कि नहीं, जिससे डेटा हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में आ रही है, सबको ALU चाहिए, CU चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो मानिए 6 प्रोग्राम चल रहे हैं, 6 प्रोग्राम आर इन रनिंग मोड, 6 प्रोग्राम आर इन रनिंग मोड, और उसको सबको रिसोर्स प्रोवाइड करवाना है, सबको रिसोर्स प्रोवाइड। रिसोर्स क्या क्या होता है, रिसोर्स का मतलब एक केवल हार्ड डिस्क नहीं है, सीपीयू, रैम और ये ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, डेटा। जैसे सर से बोल दिया ना, जैसा नेटवर्क भी हो सकता है रिसोर्स, नहीं छोड़ दूं मेरा बात का बीबीए क्लास में। मास्क लगा लो भाई, मास्क लगा लो, प्रिकॉशन पर्पस नहीं है क्या, प्रिकॉशन पर्पस रखना चाहिए। देखो रिसोर्सेज, यह सुनो, रिसोर्सेज में आता फाइल्स ऑल्सो, फाइल्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब रिसोर्सेज है, फाइल्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर, सब रूटीन, ये सब क्या है? These are resources of the processes. ये रिसोर्स किसके लिए है? These are resources. ये रिसोर्सेज है किस चीज के लिए? प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड वो तो है ही हार्डवेयर रिसोर्स। सॉफ्टवेयर रिसोर्स में फाइल्स हो गया, डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, प्रोसीजर, सब रूटीन बता रहा हूँ। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। दिखा अब? जी सर। टेस्टर कहाँ है भाई? टेस्टर किस क्या लगता है? हाँ यार, टेस्टर मतलब किस क्या किया गया जिसको गाँव खिला सकते? हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ये P1 एक प्रोसेस है। P1 इज ए प्रोसेस, P2 इज ए प्रोसेस, P3 इज ए प्रोसेस। तीन प्रोसेस चल रहे हैं सिस्टम में, इन्हें मल्टी प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। किस जब तीन प्रोसेस चल रहे हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग तो हो ही जाएगी, मल्टी प्रोग्रामिंग तो हो ही जाएगी। देखो प्रोसेस मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ध्यान देना है, थ्योरी लिख के पास होना नहीं केवल। P1 को चाहिए, P1 को जो रिसोर्स चाहिए R1, P1 को जो रिसोर्स चाहिए R1, और सेम टाइम P2 को चाहिए R2, सेम टाइम P3 को चाहिए R1 कॉमा R3। रिसोर्स का मतलब R1 मैंने रिसोर्स दे दिया, रिसोर्स का मतलब फाइल्स। ये फाइल्स हो सकता है MS वर्ड भी, एक्सेल भी, कोई एडिटर भी, कोई म्यूजिक भी। ये फाइल्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखे हुए फाइल्स हैं। जैसे प्रोसेस P1 के लिए हमको फाइल्स चाहिए, फाइल्स का नाम है अमित, amit.doc। एक डॉक्यूमेंटेड फाइल है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए? amit.doc। P1 को R1 यूज कर रहा है, तो जब तक ये काम ना कर ले R1, ये फाइल कौन प्रोवाइड करवाया P1 को? ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम कर रही है, कर रहा है। फिर P2 को R2 चाहिए, इसको कोई फाइल चाहिए, मान लीजिए ramesh.html फाइल इसको चाहिए। इसको चाहिए amit.doc, इसको और चाहिए एक महेश.txt। ध्यान देना, महेश.txt। ये सब रिसोर्स कहाँ पे रखा हुआ है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है। जैसे इसने काम किया P1 को, P1 जैसे ही आया क्यू में, इसने R1 रिसोर्स को यूज किया और अपना काम कर लिया। सेम टाइम मीनवाइल अगर P3 भी मांग ले रिसोर्स, P1 को भी amit.doc चाहिए, P3 को भी एग्जीक्यूट करने के लिए amit.doc फाइल चाहिए ना, तब तो एग्जीक्यूट करेगा। और P1 ने कैप्चर कर रखा है क्योंकि उस पर अपना काम वो कर रहा है, वो अंटिल और अनलेस अपना काम कर रहा है। तो सेम टाइम P3 भी चाहेगा क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, मल्टी प्रोग्रामिंग चल रही है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है, प्रोसेस है दूसरे से तीसरे। तो क्या P3 को मिल पाएगा फाइल? जब तक अंटिल और अनलेस P1 R1 को रिसोर्स को रिलीज ना कर दे, क्योंकि R1 और R3 P3 भी ले रखा है। P3 को भी अपना टास्क पूरा करने के लिए दोनों रिसोर्स चाहिए। तो जब तक ये नहीं छोड़ेगा तब तक चलेगा वो, तब तक उसका टास्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको भी सेम रिसोर्स चाहिए जो इसको चाहिए। तो ऐसे टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐसे टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि नहीं? तो हु विल टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग्स? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, हु विल टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग्स? ऑपरेटिंग सिस्टम की किस प्रोसेस को कब रिसोर्स देना है, इस प्रोसेस को कब कौन सा रिसोर्स देना है ताकि डेडलॉक वाली कंडीशन पैदा ना हो जाए। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में एक लगा देंगे टर्मिनोलॉजी, इसको कहते हैं। इस कंडीशन में ये होल्ड करके रखेगा, रिसोर्स को होल्ड करके रखेगा कि नहीं, जब तक इसका काम नहीं हो जाए। इस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम वेट मोड में डाल देगा, भाई जैसा तुम रुक जाओ 2 सेकेंड, वहां से रिलीज होना है प्रोसेस को, रिसोर्स को। तो कौन टेक केयर कर रहा है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए प्रोसेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर में हम लोग 50 टास्क, 20 टास्क, 10 टास्क खोल देते हैं, गेम भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है, डांस भी चल रहा है, सब कर देते हैं। सबको उपलब्ध कराना पड़ता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिसोर्स। जैसे तुम लोग 2 मीडिया प्लेयर है, कभी यूज करना, 2 मीडिया प्लेयर इन योर सिस्टम, और दोनों VLC है और एक मान लो मीडिया प्लेयर, उसमें दोनों में एक मूवी चलाओ। क्या होता है, मान लो एक मूवी है कोई भी A.मूवी, उस मूवी को चलाओ, दोनों में खोलो, क्या होता है? लेकिन क्या वो रिसोर्स एग्जीक्यूट आपको समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? वो आवाज कभी लड़ेगा, कभी आवाज कोलाइड करेगा, कभी रिसोर्स कोलाइड करेगा, कभी जाके हैंग कर जाएगा सिस्टम, ये सब चीजें, क्योंकि रिसोर्स दोनों को फुलफिल मोड में नहीं मिल पा रहा है। दोनों से रिसोर्स को चाह रहा है, एक मूवी पे दोनों मीडिया प्लेयर कब्जा करना चाह रहा है, चलेगा जरूर लेकिन नॉट इन ए राइट मैनर। देखो प्रोसेस मैनेजमेंट समझ गए कि नहीं? प्रोसेस मैनेजमेंट देखिए द ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ ऑनलाइन बच्चे लिखो आप लोग प्रोसेस मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज many kinds of activities, manages, the operating system manages many kinds of activities, many kinds of activities ranging from range होता ना RANGE, ranging from user programs to system programs, like printer spooler, comma, like printer spooler, printer के स्पेलिंग लिख लोगे स्पूलर, SPOOLER स्पूलर, SPOOLER, कॉमा, लिखो तो नेम सर्वर्स, कॉमा फाइल सर्वर। सर स्पूलर क्या लिखे भाई तुम? प्रिंटर, लाइक प्रिंटर स्पूलर्स, उसके बाद प्रिंटर स्पूलर्स, कॉमा लाइन सर्वर, लाइन है क्या है भाई, नेम सर्वर्स, कॉमा फाइल सर्वर्स ETC, फाइल सर्वर्स ETC। हाँ तुमने क्या पूछा? स्पूलिंग, स्पूलर मतलब स्पूलिंग का पार्ट है। स्पूलिंग पहले समझ लो, स्पूलर समझ लोगे। स्पूलिंग स्पूलिंग क्या होता है ये समझो। कितने अब सुनो, 4 कंप्यूटर सिस्टम है, कितने कंप्यूटर सिस्टम है? 4 C1, C2, ध्यान दो यार, C3, C4, ध्यान दो, चार कंप्यूटर सिस्टम है, C1, C2, C3, C4 और एक प्रिंटर है, प्रिंटर एक है, ध्यान देना, प्रिंटर एक है, कंप्यूटर सिस्टम कितने हैं? There are 4 कंप्यूटर सिस्टम, all computer systems are attached to this printer. All computer system are फोर कंप्यूटर सिस्टम, 1 प्रिंटर, 4 कंप्यूटर सिस्टम, 1 प्रिंटर, चारों कंप्यूटर सिस्टम इस प्रिंटर से अटैच है। इसने दिया C1 है गिवन ऑर्डर टू प्रिंट बाय 20 पेज, C2 ने दिया 30 पेज, C3 ने दिया 40 पेज, C4 ने दिया 6 पेज, 6, ओनली 6, और सब लोगों ने C1 ने दिया 20, C2 दिया 30, C3 कितना दिया है 40, C4 6 पेज। प्रिंटर एक है, ध्यान रखना, चारों इस प्रिंटर से अटैच है, चारों सिस्टम, चारों यूजर जो है, इसमें 4 यूजर बैठे हुए हैं, A, B, C और D, इसमें अमरेश, विकास, चीकू, दिनेश, चारों लोगों ने, ध्यान देना, स्पूलिंग क्लियर हो जाएगा, चारों लोगों ने एक साथ कमांड दे दिया, किसके लिए? प्रिंट करने के लिए एक साथ कमांड दे दिया, मीनवाइल मतलब सेकंड मिली सेकंड के डिफरेंस पे चारों लोगों ने दे दिया। कंपनी में तो हो ही जाता है, जहाँ 100-100, 200-200 लोग एक प्रिंटर से जुड़े होते हैं, वहाँ तो ये काम चलता ही है, ठीक है। प्रिंटर एक है, चारों लोगों ने ऑर्डर एक टाइम में दे दिया, स्यूडो पैरेलल मैनर में ऑर्डर दे दिया, पैरेलल मैनर में ऑर्डर दे दिया, एक साथ लगभग दे दिया कि प्रिंट करके लाओ। अब प्रिंटर तय करेगा, नाउ प्रिंटर विल डिसाइड, कि प्रिंट कैसे कैसे किसका निकलेगा। निकलना सबका है 1 by 1, लेकिन नाउ प्रिंटर विल डिसाइड विच यूजर पेज विल कम फर्स्ट, क्योंकि 4 लोगों ने दे दिया, वो चारों लोगों को प्रिंट चाहिए, तो प्रिंटर विल डिसाइड कि कौन सा पेज पहले ये निकलेगा कि ये निकलेगा कि ये निकलेगा कि वो निकलेगा, मतलब जो पहले ऑर्डर दिया होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड वो पहले निकलेगा। दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड स्पूलिंग, इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग, इसी टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। ढेर मतलब आज 50 यूजर ने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, सबका निकलेगा, कब किसका निकलेगा दिस विल डिसाइडेड बाय द प्रिंटर, और प्रिंटर को गाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप कमांड देते हो यहाँ से बैठकर तब निकलता है ना कि कितने पेज, 2 पेज 4 पेज 6 पेज 8 पेज, तो दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड स्पूलिंग। तो प्रिंटर स्पूलर अब समझ में आ गया। अब नेमिंग, नेम सर्वर, सर्वर्स क्या होते हैं? आर्किटेक्चर में लार्ज का इसमें हम रख लेंगे, इसमें नहीं रख सकते क्या लार्ज अमाउंट का? तो एक सुन लो, सर्वर्स जानो। यस सर। इस कंप्यूटर सिस्टम के लिए, इस लैपटॉप के लिए ही मशीन सर्वर है, इटसेल्फ मशीन इज ए सर्वर, क्योंकि और सर्वर बोलते किसको है? मान लीजिए आपके लैब में 50 कंप्यूटर्स लगे हुए, ध्यान से सुनना, देयर आर 50 कंप्यूटर्स इन योर लैब, और सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल सर्वर से अटैच है, उसी से डेटा ले रहे हैं, डेटा एक्सेस कर रहे हैं, डेटा वहीं पे अपडेट कर रहे हैं, डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, डेटा अपडेट कर रहे हैं, दैट इज ए सर्वर फॉर दैट लैब। इस सिस्टम के लिए ही सर्वर है, क्योंकि इसका सर्वर इटसेल्फ सारा डेटा इसमें है। समझ में आ गई बात? सर्वर इज ए प्लेस वेयर वी कीप द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर नेटवर्क। जब लैब की बात होगी ऑल आवर नेटवर्क, जब सिंगल सिस्टम की बात होगी तो अपना सिस्टम पर, लिखना है क्या? अब लिखो, समझ में आया ना? स्कूलिंग स्कूलिंग एग्जाम का क्वेश्चन है। अब लिखो, ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज फाइल सर्वर इसी के बाद ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज इनकैप्सुलेटेड in a process ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं क्या हो गया? इनकैप्सुलेटेड। एक प्रोसेस करने में इतना उसके अंदर एक्टिविटी छिपी होती है। जैसे एमएस वर्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें हम एडिटिंग भी कर रहे हैं, न्यू फाइल भी बना रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, सेव एज भी कर रहे हैं। ये सब क्या है उसका एक्टिविटीज है। कलर चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाएगा? एक्टिविटीज। एमएस एक्सेल पे अब शीट पे डेटा भर रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या परसेंटेज निकाल रहे हैं, व्हाट आर दिस थिंग्स ऑल आर। जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं किसी फाइल्स के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर, ऑल आर कॉल्ड एक्टिविटी। जो भी आप उसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट a process is not a program. ठीक है, प्रोसेस प्रोग्राम नहीं ना है, ये तो जानते हो गए। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, आफ्टर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। देखिए, द फाइव मेजर एक्टिविटीज, लिखो द 5 major activities of an operating system. The 5 major activities of an operating system. The 5 major activities of an operating system the 5 major activities of an operating system in regard to process management are first point, creation and deletion of user and system processes are। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, द फाइव मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिगार्ड टू प्रोसेस मैनेजमेंट आर। फर्स्ट पॉइंट, क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस। क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस। नंबर टू, फिर से क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूजर एंड सिस्टम process is creation and deletion of user and system processes. Number two, suspension and resumption of processes. Suspension and resumption of processes. Suspension and रिजम्पशन, सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेसेस। लिख लिए, एक एक पॉइंट पे दिखा दूंगा ब्लैक बोर्ड पे। फट लिखिए, सेकंड हो गया सारे बच्चों का लास्ट बेंच तक। थर्ड लिखिए, ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। थर्ड, ए मैकेनिज्म फॉर मैकेनिज्म mechanism for process synchronization। Process synchronization, synchronization के spelling SYNCRONIZATION। RONIZATION। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखिए, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस communication। Next point, a mechanism for deadlock handling। 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 अब फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या है। हम लोग नया यूजर क्रिएट करते हैं कि नहीं, ताकि न्यू यूजर बनाते हैं कि नहीं। आप एक साथ कितने यूजर भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 10, जितना आपको रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप बना सकते हैं। डिलीशन, हम चाहेंगे तो डिलीट भी हटा भी सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेसेस। सस्पेंशन का मतलब कुछ देर के लिए हम प्रोसेस को सस्पेंड कर दिए, उसके बाद फिर उसको रिज्यूम कर दिए, मतलब दोबारा शुरू कर दिए। कुछ देर के लिए हम उसको मिनिमाइज करके, स्टॉप करके मिनिमाइज करते हैं। कोई चीज जैसे आपको कुछ मूवी नहीं देखना है, सॉन्ग नहीं देखना है, स्टॉप करके मिनिमाइज करते हो कि नहीं। जब चाहिए तो फिर उसको रिज्यूम कर लेते हैं कि नहीं। थर्ड, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज कर रहा है कि नहीं। जितना भी प्रिंटिंग पेज आ रहा है सब कुछ सिंक्रोनाइज मैनर में कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा किसका निकालेगा इसका नहीं निकालेगा। मान लीजिए 4 प्रोसेस है, P1 क्या है हाँ बता रहे हैं 4 प्रोसेस। देखो यार क्या बच्चे, दो ही प्रोसेस मान लेते हैं, P1, P2 और एक मान लो P3। सिंक्रोनाइज वे का मतलब ये हुआ कि ये चला, इसके बाद ये एग्जीक्यूट किया, इसके बाद ये एग्जीक्यूट किया, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं किया। ओवरलैप का मतलब आपाधापी वाली बात नहीं हुई। सिंक्रोनाइज मतलब सब प्रोसेस सीक्वेंशियली ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवाया, सबको रिसोर्स उपलब्ध कराया, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्स हो चाहे सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो। फाइल्स को प्रोवाइड करना, डेटा को, कोडिंग को, सबको करवाया। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। कि अगर P1 चला तो बाद में P2 चल जाएगा, P2 के बाद P3 चल जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हुआ, मतलब आपाधापी प्रोसेसेस के बीच नहीं हुई कि पहले हम ही होंगे, तो कहेगा पहले हम ही होंगे, नहीं, सिंक्रोनाइज्ड वे में चलिए। मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, हमें अभी बताया था, इसने मान लिया R1 रिसोर्स पे कब्जा कर लिया और P2 को भी R1 चाहिए, P3 को भी R1 चाहिए, मतलब जो फाइल, एक फाइल जो R1 को चाहिए सेम फाइल P2 को चाहिए, सेम फाइल P3 को चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने तो ये चैलेंज हो गया भाई कि तीनों को एक ही चीज चाहिए, तो प्रोसेस को कम्युनिकेट करके कहता है कि पहले आप कर लो, पहले आप कर लो, पहले आप कर लो, अगर तीनों लोग चाहोगे कि हम एक साथ एक्जीक्यूट करें ऑन द सेम फाइल तो बात बनेगी नहीं। मैंने आपको क्या मूवी का एग्जाम्पल भी दिया कि तीन मीडिया प्लेयर है, तीनों एक ही मूवी उठा लीजिए, आवाज कोलाइड होना शुरू हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, चल तो रहा है लेकिन चीजें समझ में नहीं आएगी, है कि नहीं। सर ये भी एक टाइप का पूलिंग हो गया, ये भी एक टाइप का पूलिंग हो गया, किसको तो तीनों प्रोसेस मांग रहे प्रिंटर की तरह, लेकिन मिलेगा नहीं ना, प्रिंटर में हो जाता है काम, लेकिन जब एक ही रिसोर्स को मांगते हैं तो सिस्टम हैंग करने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है ना, क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक हैंडलिंग क्या हुआ, ध्यान देना, डेडलॉक हैंडलिंग P1, P2, P3, P4 सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो से R1, ये R2, फिर ये R1 मांग लिया, ये R2 मांग लिया, P1 एक रिसोर्स है, P1 किस पे काम कर रहा है, R1 पे, R1 मतलब फाइल्स है, मूवी फाइल है, जावा फाइल है, जो भी है। R2 को और P2 और इसने ये ले रखा, R2 भी ले रखा है, दो फाइल पे काम कर रहा है कौन, P1, मतलब MS वर्ड भी खुला हुआ है P1 के पास और MS एक्सेल भी खुला हुआ है। सेम टाइम जब तक ये P1 रिलीज नहीं करेगा दोनों को, तब तक इसको मिलेगा रिसोर्स P2 को, P2 को रिसोर्स मिलेगा नहीं, मिलेगा ना, तो जब until or unless P1 will not release both the resource, P2 will not execute करेगा, क्योंकि उसका रिसोर्स ही लॉक। जब आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को लॉक भी किया जाता है, अनलॉक भी किया जाता है, आप कभी कभी देखे होंगे, उसका एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। कोई कोई वेबसाइट से आप कॉपी करना चाहते हो, उन्हें होता होगा, किसी किसी वेब एप्लीकेशन पे आप चाह रहे हो कि हम कॉपी करके डेटा एमएस वर्ड में डाल दें, एमएस एक्सेल में डाल दें, अपने पास रख ले, भविष्य में काम आएगा, नहीं होता, उसको लिखना पड़ जाता है। रीड ओनली मोड कोडिंग के अंदर डाला गया यूटीएफ इक्वल टू इनकोडिंग हाइफन 8 मोड इक्वल टू रीड ओनली, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, तो लॉक कर दिया कि रिसोर्स को, वो लॉक ही ना है, क्या है वो, लॉक कर दिया ना जिसने बनाया। तो P2 क्या, P2 परेशान है, P2 क्यों परेशान है बेचारा, किसको, इसको R2 चाहिए और P1 ने उसको लेके बैठा हुआ है लॉक करके, तो अंटिल और अनलेस ये रिलीज नहीं करेगा तब तक P2 का काम नहीं चलेगा, फिर P3 का भी काम तब तक नहीं चलेगा जब तक P1 इसको R1 को रिलीज नहीं कर देगा। तो इसको कौन बचाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा कोशिश करता है कि सबको रिसोर्स मिल जाए, कभी डेडलॉक की सिचुएशन जल्दी नहीं आए। डेडलॉक की सिचुएशन तो फोन कर रहा है, तो डेडलॉक की सिचुएशन ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है। जब न्यूमेरिकल बनाओगे और चीजें क्लियर होगी, इसलिए बता देते हैं ढंग से, बाकी अब न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा 2-3 क्लास में, न्यूमेरिकल चलेगा कम से कम 10 से 12 क्लास, प्रोसेस मैनेजमेंट पूरा न्यूमेरिकल ही होगा, A to Z न्यूमेरिकल। देखो ये करने में मजा आएगा, दिमाग पर जोर पड़ेगा। इसमें मजा आएगा पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। हाँ हाँ सियार इधर आइए। कोई डाउट है क्लास में तो बताओ। लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, किसी बच्चे को झूठ बोल दिए? नो सर। हेलो सर। हेलो दो पहले नीचे तक है यार। हेलो सर। हाँ बोलो। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एम्बेडेड सिस्टम सर। एम्बेडेड सिस्टम आओ, क्लास आओ तो बताएंगे। उसमें सी का यूज होता है, रियल टाइम सिस्टम। ठीक है बंद करें मशीन इनका ले लेते हैं। सर ऑफलाइन में क्यों नहीं बता सकते? क्या बोलो? क्या बोल रहे हो? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। बताओ। बोल रहे थे ऑनलाइन में क्यों नहीं सर बता सकते? कौन सा चीज है बताओ? कौन सा क्वेश्चन किया था सर? एम्बेडेड सिस्टम। हाँ सर। एम्बेडेड सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलते हैं जिससे मशीन चलती है, वॉशिंग मशीन और एसी, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज को कंट्रोल करता है उसे हम लोग एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। जो एम्बेडेड सिस्टम उसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंट्रोल करता है। ठीक है ओके सर। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ। समझ गए बात? विनय कुमार का क्या? विनय कुमार तुम्हारा रोल नंबर कितना है भाई? 33 सर। कितना? 33। 33। सीआर को अपडेट करवा देना। ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? ऑनलाइन बच्चे? नो सर। नो सर। क्लास कब से आओगे सारे लोग? सर बस आज एब्सेंट। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।